राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कई आपातकाल में इस देश की उस आवाज को जिसे दबाई जा रही थी आपातकाल में बात में आवाज जोड़कर उन्हें सम्मान दिए गए और उस उनके नाम से जो उन्होंने बनाया है उससे और हमारी बात जो उसको प्रारंभ करने के लिए उसका शुभारंभ भी दिल्ली के हाथ से हुआ है। देश के प्रखर चिंतक कवि और देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारंभ किया कि हमारे लिए गौरव का निशान है। उस गौरव को हाथ में आकर माननीय वेंकैया नायडू साहब आपने उस गौरव को और बढ़ाया है, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आप भी जीवन से राजनीति प्रारंभ करते एक आम गरीब परिवार में पैदा होते जिस ऊंचाइयों तक आप ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं और एक राष्ट्रभक्ति की ज्वार जो आपके मन में था हमने समय समय पर देखा है। 19 महीने के लिए प्रताड़ना आपने सही है, केंद्र सरकार के मंत्री के नाते आपकी ऊर्जा और क्षमता को हमने देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गतिशील राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसने एक राजनीतिक दल को ऊंचाई में पहुंचाने का काम किया है, ओजस्वी वक्ता, कई भाषा के ज्ञाता और हम सब की मार्गदर्शक, मैं कहूँगा बहुत कुछ मेरे इस पीढ़ी के लोग जो मंच में हमारे साथ मेरे साथी बैठे हैं और कुछ सीखने का उनकी उपस्थिति छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता और इसकी संभावना है छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1900 में पंडित माधवराव सप्रे ने पेंड्रा जैसे छोटे गांव में छत्तीसगढ़ युद्ध से पत्रकारिता की प्रारंभ की, यानी आज 2018 में हम कल्पना करें कि पेंड्रा जैसे जगह में पत्रकारिता की मशाल को जलाने वाले माधवराव सप्रे न केवल छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया के पत्रकारों को दिशा देने वाले आजादी की उस लड़ाई की उस द्वारा को प्रज्वलित करने की ताकत इनके अंदर थी, उनको हम याद करते हैं उस पत्रकार के नाम से। छत्तीसगढ़ में अकेले माधवराव सप्रे ने पत्रकारिता को देश के सामने लाने का काम किया, बल्कि पंडित रविशंकर शुक्ला, बैरिस्टर ठाकुर चंदील दास, पद्मलाल दुग्धलाल बख्शी, कुलदीप सहाय, रविंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, केशव प्रसाद वर्मा,